सोलन के पैलेस रोड पर चोरी करते हुए एक चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार देर रात एक चोर घर के ताले तोड़कर घर के अंदर घुस गया, जिसकी खबर पड़ोसियों को हो गई। पड़ोसियों ने तुरंत घर के बाहर कुंडी लगा दी और इसकी सूचना घर के मालिक को दे दी। घर के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को काबू कर लिया। जब चोर अंदर था तो उसने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह फंस चुका है तो वह शौचालय के अंदर जाकर छिप गया, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोसियों की मदद से यूपी के चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है। पकड़ा गया व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है और उसका नाम रोशन यादव है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इंटरवीनिंग नाइट है, इसमें रात को लगभग 12 बजे हमें थाना सोलन में सूचना मिली कि पैलेस रोड सोलन पे एक सुरेंद्र जी का मकान है और उसमें कोई अनजान व्यक्ति घुसा हुआ है और शक है कि कोई चोर गलत काम अंदर कर रहा है। इस पे पुलिस की टीम तुरंत मौका पे गई तो वहाँ पे संजय शर्मा जो हमारे इस केस में संजय कुमार जो इस केस में कंप्लेनेंट हैं वो मिले और उसकी हेल्प से जब उस घर का घेराव किया गया, उसमें एक व्यक्ति को काबू किया गया जो कि वहाँ पे उसने चोरी का अटेम्प्ट किया था, चोरी की थी। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया पुलिस ने 457-380 के तहत आईपीसी के तहत केस दर्ज किया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसका नाम रोशन कुमार यादव है और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इससे बाद में हमें अंदर से चुराए हुए कुछ चांदी के बर्तन जैसे लोटा गिलास और टोटल जो है 450 ग्राम के करीब चांदी है और 10,000 रुपये कैश इस व्यक्ति से रिकवर हुआ। इसको फर्दर पुलिस रिमांड हमने इसे लिया था और हर एंगल पे इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था जहां से इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।